राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में इन दिनों ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आम इंसान कहीं ना कहीं ठंड के चपेट में आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगर बात करें तो यह दो तीन दिनों के अंदर पटना के सहित बिहार के कई जिलों में ओला और ठंड ज़्यादा गिरने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं कोयले की जो डिमांड होती है वो बढ़ गई है। हम इस वक्त खुद मौजूद हैं राजधानी पटना के कोयला दुकान पर, जहाँ पर काफ़ी जो डिमांड था पहले के अनुसार सामान्य दिनों के अनुसार वो बढ़ गया है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो कोयले को बोरियों में पैक करके रखा जा रहा है ताकि जो लोग आएँ तो वो अब आसानी से उसको खरीद सके। कई मायनों में कोयले की जो बिक्री होती है उसकी बढ़ जाती है। लोग घर में ठंड के समय में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो आग तापने का काम करते हैं, इसके साथ साथ रेस्टोरेंट वगैरह में या काफ़ी चीज़ों में काम आता है कैंटीन। और साथ से देखते हैं कोयले को किस तरह से छाना जा रहा है, और ये लकड़ी का कोयला है, ये मतलब कह सकते हैं कि जो लकड़ी को जलाकर बनता है ये बाहर से कोयला आता है, उसके बाद राजधानी पटना इमली की लकड़ी का कोयला इसको बोला जाता है। जो दुकानदार अस्सी थे उन्हीं से बातचीत करते हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि कोयले का डिमांड पहले से बढ़ गया है? कोयले का डिमांड पहले से बढ़ गया है, ठीक है। यह जो ठंड जो आ रही चल रही है उसमें बूढ़े बुजुर्ग के लिए कोयला का डिमांड बढ़ा हुआ। क्या पहले के कुछ रेट में भी कुछ इजाफा हुआ है या रेट वही नहीं किया? रेट में इजाफा नहीं हुआ। क्या रेट मिल रहा है अभी? अभी 50 रुपये किलो मिल रहा है। 50 रुपये किलो जी। ये मतलब और भी किस काम में आता है? ये आपका रेस्टोरेंट में तंदूर का काम में आता है, जिसमें नान रोटी बनता है, कबाब वगैरह बनता है, और इसका चारकोल का अर्थिंग का भी यूज में आता है। अच्छा, ये कोयले लकड़ी का जो कोयला का होता है इसका उपयोग खासकर मतलब क्यों ज़्यादा होता है? सो नॉर्मल कोयले से क्यों ज़्यादा होता है? एक्चुअली ये इमली का कोयला, ठीक, ये कोई भी नान रोटी बनता है तो धीरे धीरे आँच होता है ना, तो उसमें पकता है, इसलिए डिमांडेशन इसका ज़्यादा है। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं बात करते हैं, ये बताइए कि कोयला लेने के लिए आए हुए हैं, ये बताइए कैसे कोयला किस यूज उपयोग में लाएंगे आप? आग तापने के लिए कर सकते हैं, कबाब के लिए, लिट्टी के लिए, घर का घरेलू काम के लिए बहुत आता है यूज। तो कोयला पहले से ज़्यादा जरूरत पड़ रहा है लोगों को? हाँ, ठंड की वजह से भी पड़ रही है। चलिए, ये कुछ और दूर हैं, ये बताइए कि किस लिए कोयला ले जा रहे हैं? होटल के लिए ले जा रहे हैं सर। होटल के लिए जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर होटल और घर में खासकर जो ठंड का जो प्रकोप बढ़ गया है, और मौसम विभाग ने भी कहीं ना कहीं जो जिस तरह से बिहार के कई जिलों में अलर्ट किया है कि ओला और बारिश की बरसात भी हो रही है, तो बेमौसम लोगों को ठंड ना हो, जिनके घरों में बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं उनको कम से कम ठंड से राहत दिलाया जा सके, उसके उपयोग में कोयले के कहीं ना कहीं डिमांड जो होता है वो बढ़ जाता है। और इस वर्ष भी कोयले का डिमांड बढ़ गया है, दुकानदार कहीं ना कहीं इस वक्त कह सकते हैं कि रेट में तो इजाफा नहीं किया है, लेकिन उनके चेहरे पर जरूर खुशी नज़र आ रही है कि ठंड की वजह से कम कोयला का जो बिक्री है वो बढ़ गया है। फिलहाल पटना से सहयोगी राजीव के साथ राहुल सिंह, पटना।